यह जो आज की स्टोरी है ये चार दोस्तों से रिलेटेड है। जो चार दोस्त थे वो पुणे में आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे और काम करते करते वो काफी बोर हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो इस बार हम पिकनिक पर चले जाएंगे। तो उन लोगों ने एक विला बुक कर लिया जहाँ पे वो जाने वाले थे 2 दिन बाद, और काफी ज्यादा मजा करने वाले थे, मस्ती करने वाले थे। तो वो सभी ने उन्होंने ऑनलाइन बुक कर लिया, और वो जो विला था वो शहर से थोड़ा दूरी पर था। उन्हें लगा चलो ठीक है, नॉइस नहीं रहेगी, गाड़ियों का पोल्यूशन नहीं रहेगा और थोड़ा नेचर के साथ भी रह लेंगे। तो इसी वजह से उन लोगों ने वो किला बुक कर लिया, क्योंकि बाकी के जो सारे किले थे वो बुक हो चुके थे, क्योंकि वो जो टाइम था वो वेकेशन का टाइम था और उस समय काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट ये पुणे में पुणे को देखने के लिए आते हैं। तो इन लोगों ने सोचा चलो ठीक है, पुणे के बाहर ही सही, लेकिन इस बार वेकेशन अच्छे चले जाएंगे। तो ये लोग 2 दिन बाद उस जगह पर गए, उस हवेली के पास गए। जैसे ही वो लोग उस हवेली के पास गए तो उनके ऑनलाइन फोटो में जो ऑनलाइन फोटो अपलोड रहती है उसमें और उस वास्तविक विले में वो काफ़ी ज़्यादा अंतर था, जमीन आसमान का अंतर था। क्योंकि वो जो हवेली थी वो काफ़ी पुरानी थी और एकदम जैसे कि उसका पेंट निकल रहा था, एकदम हॉरर लुक दे रही थी। और उन लोगों ने पूछा भी वहाँ के कैरेटेकर से, यार ऑनलाइन में तो कुछ और दिखा रहे हो, यहाँ पे कुछ और। तो उसने कहा सर इसे काफ़ी सालों की फोटो है, ये वो अब तक अपडेट नहीं हुई है, इसीलिए ये ऐसे ही है। और वहाँ का जो चौकीदार था, गणेश नाम था उसका, उसने उन चारों को वो रूम वगैरह सब दिखा दिए कि सर ये आपकी रूम, ये आपकी रूम, ये हॉल है। और उसने साफ तौर पे कह दिया था कि इस हवेली में चार रूम आपके और एक हॉल है, इसी में आप लोग रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। रात में आप इस हवेली की जो आजू बाजू के दरवाजे है, जो अन्य कमरे है, वो वहाँ पर मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर थोड़े गड़बड़ बातें हो चुकी है आज तक। तो लोग उन्होंने पूछा कैसी, तो उसने बताया नहीं, और वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था जैसे कि उसे कहीं जाना हो। तो उन लोगों ने उसे पूछा कि तुम्हें कहीं जाना है, तुम चले जाओ। उसने कहा हाँ मेरा वक्त हो गया है, तो मैं अभी घर जाता हूँ, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, यहीं से मेरा घर 15-20 मिनट की दूरी पर है, मैं आ जाऊँगा। उन लोगों ने कहा ठीक है, और उसने जाते जाते उन्हें सलाह भी दी कि सर मेरी उस सलाह पर गौर कीजिएगा कि रात में इस बंगले में ज़्यादा घूमिएगा मत, चुपचाप सो जाइएगा। वो लोग कहे थे यार हम यहाँ इंजॉय करने आए हैं, और वह भी हम रूम के अंदर बंद करके इंजॉय करें, हम तो घूमेंगे, तुम जाओ। तो वो चला, गणेश चला गया वहाँ। लेकिन सभी लोग मस्त रात को इंजॉय करते, डांस वांस करते, खाना वगैरह खाते और सो जाते। सो जाने के बाद जो राघव होता है उसको 3 बजे उसकी आँख खुलती है, और उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी, तो क्या करे, तो उसे सिगरेट पीने की तलब होती है। वो सिगरेट लेता है, जलाता है और पीते हुए बाहर चला जाता है हॉल में, यही वही टहलता है, सिगरेट पीता है और उसकी सिगरेट ख़त्म हो जाती है। वो हॉल में एक चेयर रखी हुई थी पुरानी, उस पर बैठ जाता है और मोबाइल स्क्रॉल करते रहता है, मोबाइल में कुछ देखता है। तो मोबाइल में देखते देखते उसे अचानक सिगरेट की स्मेल आती है, तो लेकिन उसकी सिगरेट 15-20 मिनट पहले ख़त्म हो चुकी थी। तो इतनी तेज़ सिगरेट की स्मेल आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बालकनी में सिगरेट फूंक रहा था, तो उसकी वजह से वो धुआं जो है वो बाहर चला जा रहा था। तो उसने आजू बाजू देखा तो कहीं कोई नहीं देख रहा था। उसने उस सिगरेट के जो स्मोक आ रही थी, स्मेल आ रही थी, उसका पीछा किया। उसे उस सिगरेट की स्मेल ने पूरी हवेली घुमाई, लेकिन उसे पता नहीं चला कहाँ से आई। तो उसने सोचा शायद मेरे दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, तो वो अपने दोस्तों के रूम में चला गया कि देखने की यार वो क्या रहा है। तो जैसे वो रूम में चला गया, वहाँ वो तीनों अच्छे खासे सो रहे थे, घोड़े बेच कर सो रहे थे। तो उसने और नींद में कुछ हरकतें कर रहे थे, जैसे कि कोई बड़बड़ कर रहा था, कोई काफ़ी डरा हुआ था, कोई रो रहा था, ऐसी का अजीब वगैरह हरकतें कर रहे थे नींद में। तो उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई उठ नहीं रहा था। तो उसने आखिर में उनके मुँह पर पानी मारा, फिर भी वो उठ नहीं रहे थे। तो उसने एक काम किया, पार्लर से पकड़ा का ये योगेश को पार्लर से पकड़ा और उसके मुँह पर पानी मारा, उसे हिलाया, तब वो उठ गया। और उठने के बाद वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया कि मैं जिंदा हूँ। तो राजू उसे बोला हाँ तू जिंदा है, लेकिन भाई ऐसे क्या सो रहे थे कि घोड़े बेच कर सो रहे थे क्या, कि कितने देर से मैं तुम लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठो तो सही। तो राजू बोला अरे मैं उठना चाह रहा था, लेकिन मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, मैं अपनी आँखें खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी आँख जो है वो खुली नहीं रही थी। तो उसने पूछा ऐसा क्या देखा तुमने, तो मैंने देखा, वो बोला राजू बोला कि मैंने देखा कि जो मैं हॉल में घूम रहा था
और घूमते घूमते अचानक एक चेयर हिलने लगी और उस चेयर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो कि सिगरेट फूंक रहा था। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ने लगा मन ही मन वो मुंह में ही कुछ मंत्र बोलने लगा, और जैसे ही वो मंत्र बोलने लगा मेरी चेस्ट में अचानक पेन होने लगा, मेरे सर दर्द करने लगा, मुझे चक्कर आने लगे, और वही सब मेरे हकीकत में भी हो रहा था। तो उसकी छाती पर जैसे कि कोई निशान थी, हकीकत में उसकी छाती पर ऐसे निशान बने हुए थे। तो उन दोनों को काफ़ी अजीब लगा, उन दोनों ने जो उनके बाकी के दोस्त थे उन्हें भी उठाया। तो जैसे ही वो सब उठे तो सबको एक ही जैसा सपना आया था, तीनों को एक ही सपना आया था उन तीनों ने बताया। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो अब गणेश को फोन करते हैं और उसे पूछते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे उन्होंने गणेश को कॉल लगाया, गणेश का कॉल लग नहीं रहा था, नॉट स्विच ऑफ दिखा रहा था, नॉट रीचेबल दिखा रहा था। तो उन लोगों ने सोचा चलो अब क्या करें, वो चेयर जो है जो हॉल में थी वो अभी भी हिल रही थी। तो उन लोगों ने जाने की कोशिश की तो उन्हें सबको वहाँ पर एक आदमी दिखाई दिया। उन लोगों की तो फट के हाथ में आ गई, उन लोगों ने सोचा अब नहीं जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सुबह होने वाली थी तो इसलिए ये लोग एक कमरे में बंद हो गए, और जैसे ही सुबह हुई बाहर आए, और गणेश तब तक 7 बजे आ गया था। तो गणेश से पूछा कि यार ये क्या था यहाँ पे, तो वो कहता है इस बंगले में इस घर के मालिक थे जो कि इसी चेयर पर बैठते बैठते स्वर्गवास हो गया उनका, उन्हीं की आत्मा आज भी इस बंगले में घूमती रहती है और वही आपको शायद दिखी होगी। तो आपको